बरकरार रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, आई लव योर लुक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि बियर्ड आ गई है मेरी। बहुत नर्वस रहता हूँ मैं कभी कभार अपनी बियर्ड को लेकर, बिकॉज कभी रखा नहीं है। सो आफ्टर दिस, आफ्टर अलादीन, आई थॉट ऑफ यू नो चेंजिंग माई लुक। तो ये थोड़ा मैंने बियर्ड लुक दिया हुआ है अपने आप को, और अच्छी बियर्ड आई है, नई स्टाइल की बियर्ड है, देखिए न्यू स्टाइल है ये बियर्ड रखने की। तो जिन जिन लोग की बियर्ड है, आई वुड सजेस्ट देम कि ऐसा कर सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस स्टाइल, अच्छा लगेगा आप लोग पे भी। वाओ सो गुड लुक ब्रो, थैंक यू सो मच। हाय हाय, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ने प्रोमो देखा हीरो गायब मोड का, बहुत ही शानदार बेहतरीन किरदार है ये हीरो गायब मोड में, क्योंकि ये हीरो के साथ मिलकर उसे बहुत सारी चीज़ें बताएगा और सिखाएगा। हीरो के साथ आ रहा है सुपर हीरो। तर्श कह रहा है कि लुकिंग गुड सिद्धार्थ, थैंक यू तर्श, थैंक यू सो मच भाई। उधर आती नहीं है ना भैया, किधर नहीं आती? आर यू कमिंग इन हीरो गायब मोड ऑन? यस, मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ हीरो गायब मोड ऑन में। आप जाइए अभी, सोनी सब का पोस्ट देखिए, उन्होंने प्रोमो पोस्ट कर दिया है, तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रोमो एंड डू लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको मेरा लुक शिवाय का, क्योंकि शिवाय का जो लुक है बहुत ही एजी लुक है, और आज तक मैंने अपनी बॉडी में टैटू वैटू नहीं करवाए हैं, और अभी भी नहीं है टैटू, निकल गया है बिकॉज वो टेम्प्रेरी था, टेम्प्रेरी टैटू का। सो टैटू करवाना ही मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था अपनी बॉडी पे, और बहुत अच्छे से टैटू वैटू हुआ है, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, यू नो हैविंग अ गुड बॉडी और उसमें टैटू वैटू थोड़ी बन जाते हैं, तो बहुत कूल लुक देता है। और शिवाय का जो कैरेक्टर है बहुत ही एजी है, रस्टिक कैरेक्टर है, बहुत बोल्ड है, एंड ही नोज एवरीथिंग। सो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है इस कैरेक्टर को प्ले करने में, एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को देखने में। तो आप इस कैरेक्टर से कहाँ मिल सकते हैं? ओनली ऑन हीरो गायब मोड ऑन, जो कि सब टीवी पे आता है रोज 8 बजे। तो अभी मेरी शूट शुरू नहीं हुई है, बट बहुत जल्दी शूट शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्दी शिवाय को आप देख पाएंगे हीरो गायब मोड ऑन में। आई एम एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हो इस चीज़ को लेके। लाइक अ विलन स्टाइल लुक, सो हैंडसम, हाँ बिकॉज ये बहुत ही रस्टी दिया गया है इसको, बहुत ही बोल्ड है और रस्टी कैरेक्टर है ये, बहुत ही एजी कैरेक्टर है, मतलब एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट है, और मतलब हर कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट रखा गया है इसको, इस कैरेक्टर को। सो नो डाउट आई एम डैम एक्साइटेड, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं अपने भाई के साथ वो चीज़ करने वाला हूँ। सो मैं और मेरे भाई, हम दोनों एक साथ दिखने वाले हैं आपको स्क्रीन पे, एंड बहुत बड़ा धमाल होगा, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड एज आई एम कमिंग डेफिनेटली यू नो एक्शन, धमाल बेमिसाल होगा। सो यस, आई एम सो सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मैं अपने भाई के साथ अभी काम करने वाला हूँ, एंड या लेट्स वेट, एंड बहुत जल्द आप लोग मुझे देख पाएंगे हीरो गायब मोड ऑन में। रितिका दी, मुझे आपका मैसेज नहीं आया, मुझे दिख नहीं रहा है। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने प्रोमो देखा, आप लोगों को प्रोमो पसंद आया हो, और दोनों निगम ब्रदर्स आपको देखने मिलेंगे हीरो गायब मोड ऑन में, एंड बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत ही, जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया, इसका नरेशन दिया गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कैरेक्टर, एंड यस डूइंग दिस अलॉन्गसाइड माई ब्रदर इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने भाई के साथ अभी करने वाला हूँ ये, एंड मेरे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सो बहुत मज़ा आने वाला है, एंड आई एम श्योर सेट पे तो बहुत सारी मस्ती होंगी होंगी, साथ साथ ऑन स्क्रीन आप लोग को बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखने को मिलेगी, एंड इस
ये जो कैरेक्टर है ये वाकई बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत अलग तरीके से इस कैरेक्टर को दिखाया जाएगा शो में, और कैसे ये हीरो को बहुत सारी चीज़ें यू नो गाइड करता है, बताता है, और बहुत सारी चीज़ें भी करता है जो आई थिंक आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे कि कर क्या रहे। सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस कैरेक्टर को लेके, इवन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या होने वाला है और क्या मैं करने वाला हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं गुड हूँ और बैड हूँ। सो ये आप लोग शो देखिए, देन ओनली विल गेट टू नो कि आई एम अ गुड गाय और अ बैड गाय। रिट्स बडियानी टू हीरोज इन हीरो। यस रिट्स टू हीरो इन हीरो, टू हीरोज इन हीरो, और एक तो ऑलरेडी हीरो हैं, अब सुपर हीरो बनाने का टाइम आ गया है। You are bad, I know I am bad, but let's see, I can be bad and can be good, it depends on the person. मेरा character कुछ ऐसा है। So many people are saying that I'm a good boy and so many are saying I'm a bad boy. So I don't know which boy I am right now. वो शो करने के बाद ही पता चलेगा, जब मैं उस कैरेक्टर को प्ले करूँगा और जब आप लोग उसे देखेंगे, देन ओनली यू विल रियलाइज कि आई एम अ गुड बॉय और बैड बॉय। बट लुक जो दिया गया है वो बहुत ही यू नो इंटेंस, रस्टी और बोल्ड लुक दिया गया है, और ऐसा मुझे जब यू नो लुक देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया, इतने सारे टैटूज मेरे बॉडी पे, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी, और ये बहुत ही अच्छा फैक्टर भी है। और टैटू तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करवाया, सो ये जब हो रहा था मेरी बॉडी में तो मैं थोड़ा नर्वस था, बट जब ये टैटू पूरा कंप्लीट हो गया, देन आई लुक माय सेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फोटोज़ भी शेयर करी थी आपसे, एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कितने फैंस मेरे से पूछ रहे थे कि ये टैटू किस लिए है, टैटू किस लिए है। तो ये टैटू इसलिए था, और शो में आप लोग मेरी ऐसी हो, ये बीएड भी देखने को मिलेगी आपको। सो गाइस प्लीज़ गो वॉच हीरो गाय मोड का नया प्रोमो, जिसमें यू विल सी मी एंड माय लुक। बहुत ही डैशिंग एंड नेक्स्ट लेवल का प्रोमो बनाया गया है। आपने रियल टैटूज करवाए? नहीं, सब टेम्पररी टैटूज हैं गाइस, रियल टैटूज नहीं है, क्योंकि मैं टैटूज नहीं करवाता। अश्नूर के साथ म्यूजिक वीडियो कब आएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कब आएगा। मुझे भी नहीं पता। शूटिंग शुरू कर दी आपने? जी हाँ, बहुत जल्द मैं शूट शुरू करने वाला हूँ, उसकी आपको कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ पेट में रख नहीं पाता, मैं सब बता देता हूँ आप लोगों को। सो डेफिनेटली जब मैं शूट शुरू कर दूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। रितिका दी, आई कांट सी योर कमेंट, आई एम रियली सॉरी। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे शून्य के बारे में भी पूछ रहे थे। तो गाइस शून्य एक ग्लोबल फिल्म है जो कि ग्लोबली OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी, बट अभी उसको टाइम है, क्योंकि अभी उसकी प्रॉपर शूट शुरू नहीं हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। सो दैट्स द रीज़न अभी वो शूट शुरू नहीं हुई है, बहुत जल्द उसकी शूट शुरू होगी। एंड दैट फिल्म इज़ बेस्ड ऑन कली पैथ, उसकी ट्रायोलॉजी पर डिपेंड है, और इसको एक विजुअल लैंग्वेज में यू दर्शाया जाएगा, और ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो आई जस्ट नीड ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स कि अच्छे से सक्सेसफुल हो, एंड यस डेफिनेटली मेरा जो काम है अपना 100% and 100-200% देना, उसको मैं डेफिनेटली दूंगा, बट ऑल आई नीड योर सपोर्ट एंड लव। बट फॉर नाउ आई नीड ऑल योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग कि आप इस कैरेक्टर को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। सो प्लीज़ गाइज स्टार्ट वॉचिंग हीरो गाया मोड ऑन, अगर जितने लोग ने नहीं देख रहे थे प्लीज़ गो एंड वॉच, बिकॉज अ वेरी लवली शो, और ऐसे शोज बहुत कम बनते हैं खासकर इंडियन टेलीविजन पे। तो अगर कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई टीम ऐसी नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं
तो आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट देम. एंड आफ्टर अलादीन ही सोनी सबका दूसरा एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल शो था, हीरो गायब मोड ऑन, एक नया सुपर हीरो देना इंडियन टेलीविजन को, इंडिया को. सो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा शो है, मैं हमेशा इसको देखते आया हूँ, और क्योंकि मेरे भाई का शो है डेफिनेटली. बट मेरे भाई का शो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. द शो इज इटसेल्फ सो गुड, एवरीथिंग इज सो गुड. सो दैट्स द रीज़न आई जस्ट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द शो नाउ. एंड होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग ढेर सारा प्यार दें इस शो को एंड मुझे और शिवाय कैरेक्टर को. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव बेस्ट. ऑल आई नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड ब्लेसिंग. तो बहुत जल्द मिलते हैं हीरो गायब मोड ऑन में, जहाँ पर मैं गायब नहीं रहूँगा. मैं एकदम लाइव रहूँगा और आप सब इसे देख पाएंगे और बेहतरीन तरीके से एक्शन देख पाएंगे. एंड ये जो रस्टी और यू नो बोल्ड लुक दिया है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई कैरेक्टर राइट नाउ. सो लेट्स सी अच्छे से निकल गया है. सो या हम हीरो गायब मोड रोज देखते हैं. क्या बात है, क्या बात है. दैट्स द रीज़न आई थिंक मैं खुद रोज़ देखता हूँ, बिकॉज द शो इट्सेल्फ इज सो अमेजिंग, इट्स सो न्यू. और ऐसे शोज़ वाकई बहुत कम बनते हैं, बहुत कम. सो ऐसे शोज़ बनना ही बहुत बड़ी बात है और ऐसे शो का हिस्सा बनना ही बहुत बड़ी बात है. सो यस, आई एम, दैट्स द रीज़न आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम डबल हैप्पी बिकॉज मेरे भाई हीरो हैं और मैं और मेरे भाई हम दोनों साथ में आने वाले हैं ऑन स्क्रीन. सो माई मॉम इज़ वेरी हैप्पी. You are the best actor. Thank you so much. Means a lot. We love your family and it's such a small and beautiful world. Especially your mom. That's no doubt. Our mom is our world. And she is our universe. She is our everything. सिद्धार्थ ब्रो अपना नंबर दो प्लीज़. नहीं, मैं अपना नंबर नहीं दूंगा किसी को, बिकॉज गलत हो जाता है. नंबर नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, नंबर नहीं मांगना चाहिए. मैं अपने फैंस से पर्सनली इस सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह कनेक्ट रहता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आई डोंट वॉन्ट माई फैंडम टू फाइट विथ ईच अदर. प्लीज़ डू नॉट फाइट. आई डोंट गेट टाइम. सो वेन एवर आई गेट टाइम, मैं DM ओपन हो जाता है या कभी कभार नोटिफिकेशन से नीचे आता है तो उस पर क्लिक हो जाता है. दैट इज ऑल्सो मेन रीजन कभी ओपन हो जाता है. सो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, मैं सबसे बातें नहीं कर पाता, इसलिए जितने ग्रुप्स मैंने एक्सेप्ट किए हैं उनको मैं कभी कभार रिप्लाई दे देता हूँ. सो डोंट फाइट विथ ईच अदर की उनकी सुन रहा हूँ, इनकी सुन रहा हूँ. मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैं खुद की करता हूँ. तो प्लीज़ गाइज डोंट फाइट, ओके. आई डोंट वॉन्ट एनी फाइट. आई वॉन्ट यूनिटी, आई वॉन्ट लव एंड आई वॉन्ट हैप्पीनेस, ओके. आई लव माई सिद्धार्थ, आई लव ईच वन ऑफ यू, ऑल माई वेल विशेस. सिद्धार्थ को नंबर मांग के परेशान मत करो. यस, मेरा नंबर, पहली बात तो नंबर मिल जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई डोंट करता मैं. यू आर माई हीरो. अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच. तेरी आदत हैज क्रॉस 26 million व्यूज. वाओ, दैट्स अमेजिंग. डू यू गाइस वांट तेरी आदत पार्ट टू? इफ यस, आई कैन थिंक अबाउट इट. सिद्धार्थ इज वेरी टैलेंटेड एक्टर, बट थैंक यू सो मच. बस मैं कोशिश करता रहता हूँ. और यू नो वॉट गाइज, यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग. आप हर चीज़ सीखते रहो, आप हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते रहो. और सबसे बड़ी बात यह है कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वर्क. एंड आपसे कोई बड़ा हो, आपसे कोई बहुत छोटा हो, दैट डजंट मैटर. If he is better than you, learn from him. ऐसा अगर आप mentality and attitude लेके चलते हो, definitely you will grow and you will achieve success. तेरी आदत is the best. Thank you so much. अभिषेक निगम is my hero. Definitely he is my hero too. Yes, we want तेरी आदत 2.0. Okay, done. I'll think on it. और कुछ करते हैं फिर, क्योंकि
फैंस की रिक्वेस्ट है तो यार सोचना पड़ेगा। आप तो किसी को ऐड भी नहीं कर रहे, बिकॉज मैं ऐड करूँगा तो मैं डायरेक्टली कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा, तो इसलिए मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ अभी। तो आप लोग कमेंट्स में ही मेरे से क्वेश्चंस पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं अबाउट द शो, अबाउट एनीथिंग, आई विल टेल यू हियर। आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? यार ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो। नहीं है कोई नहीं। टेक माई नेम पापड़ी चाट, नहीं सॉरी पापड़ी 1 2 3 4। ओके, करीब म्यूजिक वीडियो कब आ रहा है? करीब म्यूजिक वीडियो अभी एडिट हो रहा है और जैसे ही एडिट हो जाएगा उसके बाद उसकी प्लानिंग होगी कैसे इसे लॉन्च किया जाए, बिकॉज करीब एक बहुत ही नए चैनल पे आ रहा है, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्लान एंड देन वी विल लॉन्च। हु इज योर गर्लफ्रेंड? अरे यार और कुछ पूछ लो। हु इज योर गर्लफ्रेंड? नहीं है भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिंगल हैं अभी हम। आपकी हाइट कितनी है? 5.6। आपकी मूवी कब आएगी सर? अभी बहुत टाइम है मेरी मूवी को आने में एंड यस, लेकिन अभी शूट शुरू नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ जल्दी शूट शुरू हो। वी वॉन्ट टू सी यू विद टाइगर श्रॉफ, डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ, नो डाउट। टाइगर भैया ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड और हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं एंड वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। उनसे अगर आप मिलोगे तो यू विल सी हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़। सो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड बहुत मज़ा आता है उनसे पे प्रैक्टिस करके एंड येस बहुत मन है मेरा भी उनके साथ काम करने का। सो आई होप कि हम दोनों जल्दी साथ में काम करें किसी बड़े प्रोजेक्ट में। आपका सुपर हीरो प्रोमो देखा मैंने, कैसा लगा आपको? यू आर आई किलर, थैंक्स। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तो मैं इतने ऐसा लगता है अरसों बाद लाइव आ रहा हूँ, है ना? दिस शो इज़ अ लिटिल बिट इमोशनल एंड सो मच ब्यूटिफुल, डेफिनेटली ये इस शो में आपको डेफिनेटली इमोशंस हैं, इसमें आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, आपको इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, आपको इसमें साइंस देखने को मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें इस शो में, इट इज़ नॉट जस्ट कॉमेडी शो, इट इज़ अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग। भाई लंच हुआ क्या? नहीं भाई अभी लंच नहीं हुआ मेरा। Heetu.04, hey, are my comments reaching you or not? I think ये वाला मैं देख पाया, इससे पहले नहीं देख पाया हूँगा। आपका न्यू लुक बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आपको ये बियर्ड कैसी लगी मुझे ये बताइए, ये मैंने नई स्टाइल दी है बियर्ड की।